एक महिला और उसके साथियों ने युवक के कपड़े उतारकर बेरहमी से उसकी पिटाई की, दहकते अंगारों से भी दागा। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है और इसका वीडियो सामने आया है। मामला गुना जिले के विजयपुर इलाके का है, जहां मंगलवार को पीड़ित ने एसपी को वीडियो दिखाकर शिकायत की है। कोलवा पठार के रहने वाले गोपाल सिंह बंजारा ने बताया कि शुक्रवार को वो पंजेड़ा गांव में बाबूलाल बंजारा के यहां उधारी के रुपए लेने के लिए जा रहे थे, जहां करीब रात 8 बजे भंवरलाल बंजारा और उसके लड़के चैन सिंह मन्नूलाल ने रास्ता रोक लिया। तीनों उनके साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। पिटाई से दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। एक आंख से खून तक निकल आया, जिसके बाद दिखना भी बंद हो गया। वहीं घटना के अगले ही दिन राघोगढ़ थाने में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तीनों पर गाली गलौज मारपीट की धाराओं में FIR भी दर्ज की गई थी। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने उसका मेडिकल ठीक से नहीं कराया, धाराएं भी सामान्य लगाई हैं। वीडियो में आरोपी युवक के हाथ पैर पकड़कर मारपीट करते हुए भी दिख रहे हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बाबूलाल का कहना है कि आरोपियों ने उसे अंगारों से भी दागा। वीडियो में पास में जलते हुए अंगारे भी दिखाई दे रहे हैं, जहां कुछ लोग अंगारे उठाकर युवक की तरफ ले जाते दिख रहे हैं, जिसके बाद आरोपी युवक के पैसे और मोबाइल भी छीन कर लेकर चले गए।